सो क्लाइंट का कॉल आता है उनके घर पे कोई गेस्ट आने वाले थे और उनका बर्थडे था तो उस, उसका मुझे कॉल आता है कि मैंगो सीजन भी ख़त्म होने वाला है तो जाते जाते मैं सोच रहा हूँ एक बार मैंगो केक फिर से ट्राई ले ले तो मैंने कहा ठीक है तो ये मेरी एक ऐसी क्लाइंट है ना जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई करती है और कोई अगर एक फ्लेवर पसंद आ जाता है ना तो फिर उसको बार बार ऑर्डर करती है तो उसके घर में कोई आने वाला था तो उसने मुझे बोला कि आप हाफ़ के जी मैंगो केक बना देना तो मैंने बोला कि हाफ़ के जी मेरा मैंगो केक तो कभी भी हाफ के जी नहीं होता बिकॉज मैं अच्छे से फिलिंग फाइनली so, जो मेरी बात उससे डन होती है वो सेवन फिफ्टी ग्राम्स पर डन होती है क्योंकि जब आप मैंगो की फिलिंग करते हो ना, तो हाफ के जी केक का वेट नहीं रहता है वो ऑलवेज अप जाता है और मोर ओवर जो उसको डिजाइन चाहिए था ना उसमें बहुत ज्यादा ऊपर भी मैंगो लगना था तो सेवन फिफ्टी ग्राम्स मैंने आज सिक्स इंचज के टिन में बेक किया आपने देखा ही होगा मैंने अच्छे से मैंगो की फिलिंग भी की और ये मैंने एक चॉकलेट का नेट बना दिया था और यह मैंने बटर पेपर को मार्किंग करके कितना उसका हाइट है और लेंथ है उस अकॉर्डिंग मैंने इसको सेमी सेट करना होता है और फिर लगा के फ्रिज में रखा और मैंने इसको चॉकलेट का ये शीट बना दी और ऊपर भी मैंने ढेर सारे मैंगोज लगा दिए थोड़ा सा न्यूट्रल जेल में ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ पाइपिंग बैग में डाल के तो ये मेरा एक बहुत ही प्यारा सा केक रेडी हो गया था आगे मैंने लिखा नेम और इसका एक्चुअल वेट भी सेवन एट्टी के अराउंड ही आया था क्योंकि इतना छो, कम वेट नहीं होता है और एक मेरे पास एक और ऑर्डर था ऑफलाइन ऑर्डर था फिर मुझे उस पर काम करना था और ये भी ये हाफ के जी चॉकलेट केक था तो पहले मैंने की इसकी लेयरिंग तो गनाच डाल दी क्रश डाल दिया और इसकी मैंने लेयरिंग कर दी ये भी मेरी एक ऐसी क्लाइंट है ना अगर साल में दस बार केक लेगी तो दस बार के दस बार चॉकलेट केक होगा बहुत अच्छा लगता है ना ये देख कर कि हमारे क्लाइंट्स हमसे रिपीटिशन ऑर्डर्स करते हैं और मतलब बार बार ऑर्डर करते हैं तो मतलब एक खुशी की फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है तो यहाँ पर बस मैंने फिर इसको क्रम कोट कर दिया था इसको थोड़ा ज़्यादा चॉकलेट पसंद होता है तो मैंने अच्छे से गनांच वगैरह ऐड कर दी थी इसकी डॉटर का बर्थडे था तो इसने भी इसने मेरे ही कैटलॉग में से एक डिज़ाइन सेलेक्ट किया था तो उस उसी का वही कलर कॉम्बिनेशन वही डिज़ाइन इसको चाहिए था तो उसमें थोड़ा सा वाइट एंड ब्लू था तो मैंने थोड़ा सा वाइट एंड ब्लू इसको बाद में कर दिया था तो जो और अच्छे से ब्लू कर रही थी तो हाफ़ एंड हाफ़ था तो पाइपिंग बैग से मैं इसको फिल करके मैंने इसको रख दिया था और ऊपर से फिर बाद में मेरे को इस पर करनी थी गनांज की ड्रिपिंग तो वन ईज टू वन रेशो गनांज की ही मैं ड्रिपिंग करती हूँ जब भी ऊपर पूरा पोर करना हो तब भी तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से कर रही थी क्लीन और बड़ी अच्छी से कर रही थी फिनिशिंग और उसके बाद फिर मैंने इसको वन एस वन रिश वाली गनाच को पूरा ही कर दिया था पोर पूरा चॉकलेटी लुक देना था मुझे इसको ऊपर से तो इस केक में मुझे एक केक सिकल भी लगाना था फोटो में आ, ऐसा ही बना हुआ था तो ये करने के बाद फिर मैंने केक सिकल बनाया और ताकि ये थोड़ी सी सेट भी हो जाए तो केक सिकल के लिए एक केक का ही क्रम लिया उसी में मैंने गनाच डाली उसको अच्छे से किया मिक्स और फिर उस उसको मैंने एक स्टिक लगा के केक से वाले होल्ड में और बाई चांस मेरा अंदाजा इतना सही रहा ना कि जितना मैंने बैटर बनाया था वो एक ही केक सिकल के लिए एनफ था और ये था मेरा दिन उसके बाद मैंने ये केक्स के ऊपर लगा दी कुछ चॉकलेट और केक सिकल सो आई होप आपको आज के केक्स अच्छे लगे होंगे अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग